हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित राणा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एपी स्टडी ट्यूटोरियल पे। और मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में बता रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको एमएस वर्ड का होम टैब समझाया था और आज हम आगे चलेंगे, इनसेट समझेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, तो इससे क्या होगा, आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे। और देखते रहिए, अपन चलते हैं आगे। मैंने आपको बताया था एम एस वर्ड कहाँ से चालू करते हैं, तो अपन स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने, स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम में जाकर मैं यहाँ से एम एस वर्ड पे क्लिक करूँगा और एम एस वर्ड आ जाएगा। मैं यहाँ कल आपको इस फाइल में समझा रहा था, तो मैंने होम जो मेन्यू है अपना यहाँ तक फिनिश करा दिया था। फाइंड पे मैं रह गया था कल, तो फाइंड स्टार्ट कराते हैं। फाइंड यानी ढूंढना रहता है, मैंने कल बता दिया था। रिप्लेस मीन्स रहता है शब्द परिवर्तन, यानी कोई भी शब्द को ढूंढना, ढूंढने के बाद चेंज करना। जैसे मैंने अमित लिया और मैंने यहाँ क्या टाइप किया, अमित अमित टाइप किया। अब मुझे अमित की जगह क्या लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है पवन, तो मैंने क्या किया, रिप्लेस यहाँ से मैं करूँगा फर्स्ट से। जैसे ही मैं रिप्लेस क्लिक करूँगा एक बार और रिप्लेस करूँगा, जहाँ जहाँ अमित होगा देखो नीचे भी आ रहा है रिप्लेस, तो इस तरीके से मैं बदल सकता हूँ, है ना। तो मुझे रिप्लेस में क्या होता है, शब्द परिवर्तन, किसी भी शब्द के स्थान पर कोई दूसरा और शब्द लेना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिप्लेस, है ना। यहाँ से सिलेक्ट ऑल, सभी को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कुछ नहीं है, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। आप अंडू कट कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंसर्ट। इंसर्ट में आज हम विशेष करके टेबल पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ तीन टॉपिक हैं छोटे छोटे से पेज के रिलेटेड, उन्हें मैं समझा देता हूँ। पेज कवर, पेज कवर बैकग्राउंड के लिए रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी पेज आपको अच्छा लगता है और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी पेज ले सकते हैं। पेज स्टाइल मिल जाएगा आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। इस तरीके से आप इसके बंदिश में हो जाओगे, आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा, है ना। तो अगर ऐसा आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मैं चलता हूँ यहाँ से पेज ब्लैंक। ब्लैंक यानी खाली पेज, कोई भी नया पेज अगर लेना चाहते हो ब्लैंक ही लेंगे। यहाँ से ब्लैंक पेज नीचे आ जाएगा आपका, देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ ये ब्लैंक पेज आ गया है ना। पेज ब्रेक करना, बहुत बढ़िया। पेज ब्रेक मीन्स रहता है पेज को तोड़ना दो हिस्सों में। जैसे अब मेरा यहाँ तक पेज भर गया, या तो मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, टाइप करने के बाद पेज की सीमा इस रूलर से देखें, यहाँ पर समाप्त हो जाती है, यहाँ है ना। समाप्त होने के बाद नया पेज अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, हमें कहीं बीच में से तोड़ना है। कैसे, जैसे कि इस पैराग्राफ को हमें दूसरे पेज पर ले जाना है, तो क्या करना होगा, इस पैराग्राफ के सामने कर्सर रखना होगा और पेज ब्रेक, पेज ब्रेक करते ही अपन यहाँ से मैटर को तोड़ सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपका ये मैटर आ जाएगा। तो आपने देखा कि पैराग्राफ दूसरे पेज पे आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ कर्सर लास्ट में रखता हूँ फिर ब्रेक करता हूँ तो नॉर्मली पेज ब्लैंक आ जाएगा। बात करते हैं टेबल। टेबल यहाँ से इंसर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता पड़ती है। देखो टेबल ही मैं जितना रेड कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे जितना मैं यहाँ से रेड कर रहा हूँ, उतने पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देख रहे होंगे पेज पे नीचे टेबल बन रही है, उतनी टेबल बन के तैयार हो जाएगी। ये बन के तैयार हो गई। इसमें लिखने का प्रोसेस क्या रहता है कि मैं लिखूंगा, टैब फॉलो करूंगा, कीबोर्ड में लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे ऊपर से तीसरा की रहता है टैब। इससे क्या होता है, अपने आप कॉलम चेंज होते रहते हैं, कॉलम चेंज होते रहते हैं, तो हम ऐसे कुछ भी टेबल में टाइप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने टेबल लिया तो आप देखोगे ऊपर हेल्प के बाद कुछ मेन्यू मेरे पास आ गए हैं। सेवन में आप देखोगे व्यू के बाद ये मेन्यू आएंगे, डिज़ाइन और लेआउट। आपने देखा डिज़ाइन और लेआउट मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। डिज़ाइन क्या होता है, डेकोरेट करने के लिए होता है। देखो आप अपनी सीट को इस तरह से अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो डिज़ाइन का यूज करेंगे। आपको कॉलम में इस तरीके से कलर लेना है ना, तो ये आप टेबल स्टाइल ऑप्शन में कर सकते हैं। ये डिज़ाइन वर्क कब तक, जब तक आप टेबल पर हैं, जब तक ये सोंगे। जैसे मैं मैटर पर गया देखो आप गायब हो गए। मैं टेबल पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ से सेटिंग करना है, अंदर कोई भी स्पेशल कलर देना दे सकते हैं आप। ड्रॉ में अभी आपको बताऊंगा, बॉर्डरिंग वगैरह अभी मैं बताऊंगा आपको। डिज़ाइन में क्या होता है, डिज़ाइन में हम टेबल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिज़ाइन में जाकर हम टेबल को क्या करते हैं, कॉलम डिलीट करना है, कॉलम डिलीट हो जाएगा, रो डिलीट करना है, रो डिलीट हो जाएगी, और पूरी टेबल अगर डिलीट करनी है तो डिलीट टेबल पे क्लिक करते ही लेफ्ट माउस क्लिक करोगे, डिलीट टेबल हमारी हो जाएगी। इनसाइड में हम टेबल पे थे, मैंने यहाँ से टेबल आपको बताया, टेबल लेते ही नीचे आ जाता है, काम कर सकते हैं। इनसाइड टेबल में क्या होता है, इनसाइड टेबल में हम यहाँ कितने रो कॉलम हमें चाहिए उतने हम यहाँ पुट करेंगे और ले सकते हैं। मुझे 10 रो
पांच कॉलम की अगर टेबल चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ओके करते ही मेरा जहां कर्सर होगा वो टेबल आ जाएगी। वही कंडीशन टाइप करके कुछ भी लिखना है, नेम लिखना है, टैब दबाना है, सब्जेक्ट लिखना है, टैब दबाना है, टाइम लिखना है, टैब दबाना, इस तरह से कोई भी आप टेबल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद लेआउट में जाएंगे, लेआउट में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन हमें दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ से एबव मीन्स टेबल को ऊपर हमें एक्स्ट्रा टेबल की आवश्यकता है, तो आप क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करते ही ऊपर आप देख रहे हो टेबल आपकी ग्रोथिंग में हो जाएगी। जहाँ कर्सर होगा वहाँ से कंडीशन अप्लाई होती है, ध्यान रखना जहाँ कर्सर है हमारा वहीं से ब्लू में नीचे होने लगेगा हमारी टेबल का विस्तार, और लेफ्ट राइट में हमारी टेबल का विस्तार लेफ्ट राइट में होने लगेगा। अब मान के चलो मुझे यहाँ से टेबल को तोड़ना है, तो स्प्लिट टेबल एक ऑप्शन रहता है, टेबल को हम तोड़ सकते हैं। यहाँ मैं टेबल से निकला तो देखो वो ऑप्शन गायब हो गए, फिर से मैं टेबल पे जाऊँगा तो वो ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे डिज़ाइन। तो इसके बाद एक स्प्लिट सेल रहता है, इसमें सेल को दो हिस्सों में तोड़ना रहता है, यानी एक कॉलम एक रो में जाकर हम यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारा पार्टीशन डल जाएगा। देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पार्टीशन डल गया है, ओके कुछ भी अलग अलग लिख सकते हैं आप इस तरीके से। इरेज मैंने बताया था वही कंडीशन कि आपको इस तरह से सिलेक्ट करके अगर टेबल मिटाना है ना, इस तरीके से अगर टेबल मिटाना चाहते हैं आप तो यहाँ से मिटा सकते हैं इरेज से, है ना, इस तरीके से कुछ भी इरेज का यूज़ करेंगे। ड्रॉ हमें इंसर्ट में भी दिया गया है, ड्रॉ यहाँ से ड्रॉ ड्रॉ मीन्स रहता है हमें टेबल बनाना, तो मैंने कहा डिज़ाइन में मैं बताऊंगा तुम्हें। ड्रॉ में यहाँ कलर मिल जाएंगे आपको, जैसे मैंने ये टेबल बनाई मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ड्रॉ में मेरे पास इसके लिए क्या मिल जाएंगे, मुझे यहाँ पेन कलर मिल जाएंगे, आप किस कलर की टेबल डिज़ाइन करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें कहाँ मिली हमें, इंसर्ट में ड्रॉ में जाओ या फिर लेआउट में ही ड्रॉ दिख रहा है, ड्रॉ लेआउट में ही है, आपको यहाँ से ड्रॉ लेके डिज़ाइन में जाना है, यहाँ से पेन वगैरह कलरिंग करके और लाइनिंग कितनी मोटी पतली करनी है ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इस तरीके से मैं कोई भी लाइन शिफ्ट से मैंने कहा कैरी करोगे तो सीधी आएंगी, आप यहाँ से बना सकते हैं। इस तरीके से तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, कोई भी मैटर जो बनाना चाहते हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये इरेज हो गया, ड्रॉ हो गया आपका, और यहाँ से अब लिखने वाली बात आती है, जैसे मैंने कहा ये सब चीज़ें हो गई, रो कॉलम वाला, मर्ज मर्ज वाला हो गया। देखो मर्ज में क्या रहता है, मैं यहाँ से इसे हटाऊँ, मर्ज में रहता है कि आपने जितने कॉलम है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने इसे सिलेक्शन में ले लिया, मर्ज मीन्स होता है बहुत सारे सेलों को एक साथ, इतने सारे सिलेक्शन में लिए हैं इन सभी को एक बड़ा सेल बनाने के लिए हम मर्ज का यूज करते हैं, तो मर्ज सेल करेंगे, मर्ज सेल हो जाएगा यहाँ से, ये अब बड़ा सेल हो गया, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, है ना। इसके बाद हम अलाइनमेंट में जाएंगे, इस मैटर को आप अरेंज कर सकते हो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जैसे भी डायरेक्शन में, इस तरीके से इस तरह से आप कन्वर्ट इसे कर सकते हैं आप टेबल को, है ना। इसके बाद सेल या रो का हम यहाँ से साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो विड्थ एंड हाइट भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। विड्थ एंड हाइट में पूरी टेबल हटाना है तो मैंने क्या कहा डिलीट में जाना है और डिलीट करना है, इंसर्ट में टेबल, टेबल के बाद हमारे ऑप्शन आते हैं डिजाइन और लेआउट, इनमें जाना है हमें क्या करना है डिलीट टेबल करके डिलीट कर देना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मैंने इसमें कुछ लिखा तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट यानी इस टेबल को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक और ऑप्शन रहता है वहीं हमारे पास टेबल में, यहाँ जाकर इंसर्ट में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी आपके पास जो टेक्स्ट है उन्हें टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करते ही कितने रो कॉलम की चाहिए, तीन, यहाँ से मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो हो जाएगा, सही चल रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्लियर हैं, मैंने आपको ये समझा दिया। अब एक ऑप्शन और है हमारे पास टेबल में ही, टेबल में यहाँ से जाएंगे एक्सेल स्प्रेडशीट में, बाद में समझाऊंगा आपको, क्विक टेबल। क्विक टेबल मीन्स रहता है बनी हुई टेबल, आपके पास इतनी सारी बनी हुई टेबलों के डिज़ाइन है, किसी भी टेबल पर क्लिक करो टेबल आपके पेज पे आ जाएगी और आपको उसके डाटा में जो भी चेंजिंग करनी है करो, और टैब से नेक्स्ट चेंजिंग करो, टैब से नेक्स्ट चेंजिंग करो, ऐसे हम चेंजिंग कर करके अपना डाटा फिल कर सकते हैं, यहाँ कोई भी डाटा आप अपने अनुसार भर सकते हो बिना प्रॉब्लम के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नेक्स्ट टॉपिक अपन इंसर्ट में कल करेंगे। थैंक यू, मेरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।